सो अगर मेरी तरह आप भी स्मार्टफोन और पीसी यूज़र हो तो एक प्रॉब्लम हम लोगों को कॉमनली फेस करनी पड़ती है कनेक्टिविटी को लेके। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ स्मार्टफोन का। अगर आप अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को प्रोजेक्ट करना चाहते हो किसी मॉनिटर पे, तो इसमें एक ही जो है आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है। तो उसके कारण होता क्या है कि हम लोग जो है इसे प्रोजेक्ट तो कर लेंगे टाइप सी टू टाइप सी से, पर दूसरे जो काम है वो नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इसे पावर डिलीवरी देनी है या इसमें एक पेन ड्राइव जो है एक्सेस करना है वो आप इसमें नहीं कर सकते। उसी तरह मैं बात करूँ अगर पीसी की, तो लैपटॉप्स और जो डेस्कटॉप है उसमें भी लिमिटेड नंबर ऑफ टाइप और टाइप सी पोर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। उसके कारण जो हमारे बेसिक डिवाइसेस वो तो कनेक्ट हो जाते हैं, पर हमें अगर एक्स्ट्रा पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट करने हो वो हम लोग नहीं कर पाते। तो उसी चीज़ का सॉल्यूशन लेके आऊँ मैं इस वीडियो में। पर उससे पहले आपको मैं बता दूँ, मैं हूँ प्रिंस और स्वागत है आपका क्रिएटो लैब्स के एकदम ही नए एपिसोड में। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप सी यूएसबी हब्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। मैं टोटल यहाँ पे जो है 3 यूएसबी हब्स लेके आया हूँ, बेसिक मतलब चीपेस्ट से लेके जो एक्सपेंसिव वंस हैं उनकी हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे पहले यूएसबी सी हब की, जो कि है पोर्ट्रॉनिक्स की तरफ से। तो यहाँ मैं आपको बॉक्स दिखा देता हूँ, बहुत ही सिंपल सा मिनिमलिस्टिक सा बॉक्स आपको देखने को मिलता है। इसकी प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट महीना जाके मैं अभी आपको प्राइस बता देता हूँ। ये आता है 400 से 500 रुपये के बीच और ये एक बेसिक 3-in-1 यूएसबी सी हब है। आपके अगर कोई बेसिक नीड है स्मार्टफोन को प्रोजेक्ट करना है स्क्रीन पे, और साथ ही साथ आपको अगर पेन ड्राइव भी यूज़ करनी है और पावर डिलीवरी भी चाहिए, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं आता। बॉक्स की बात करूँ तो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ दिया हुआ है और तीनों फीचर्स यहाँ लिखे हुए हैं, वो मैं आपको भी बताऊँगा आगे। बॉक्स को मैं रखता हूँ साइड में। और अगर हम लोग डिवाइस की बात करें तो ये इस टाइप से कुछ पोर्ट्रॉनिक्स की तरफ से आपको देखने को मिलता है। और इसके अगर नाम की मैं बात करूँ तो ये है सी कनेक्ट प्लस। तो ये सी कनेक्ट प्लस है 3-in-1 यूएसबी सी हब, इस तरीके से कुछ आपको ये देखने को मिलेगा। और जैसे आप इसे बॉक्स से ओपन करेंगे तो इस टाइप से यहाँ पे टाइप सी जो कनेक्टर है इसे प्रोटेक्ट किया गया है, बहुत अच्छी बात। इतना सस्ता होने के बाद भी इस चीज़ का ध्यान रखा गया, सो थम्स अप टू पोर्ट्रॉनिक्स। और अगर मैं बात करूँ फिजिकल ओवरव्यू की, मेटालिक बिल्ड यहाँ पे दिया हुआ है, पोर्ट्रॉनिक्स की ब्रांडिंग है और यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है। जो है PD 3.0 यानी पावर डिलीवरी है, और साथ ही साथ HDMI दिया हुआ है यहाँ पे कनेक्टर। 4K अप टू इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 30 FPS यहाँ पे दिया है, बिल्कुल 4K अप टू 30 Hz HDMI आउटपुट आपको यहाँ देखने को मिलता है। और एक जो है USB 3.0 की कनेक्टिविटी आपको यहाँ देखने को मिलती है। और ये छोटा सा केबल है जो कि ब्रेडेड नहीं है, मैं आपको बता दूँ। और कनेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है पोर्ट्रॉनिक्स का लोगो है और नॉर्मल गोल्ड प्लेटेड नहीं, नॉर्मल आपको यहाँ पे टाइप सी कनेक्टर देखने को मिलता है। तो इसे मैं पहले यूज़ करके दिखाता हूँ आपको और उसके बाद हम लोग करेंगे दूसरे जो डिवाइस है उसकी बात। तो यहाँ पे ये है मेरा स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 6 के साथ मैं इसे यूज़ करके दिखा रहा हूँ आपको। डिफरेंट डिवाइसेस के साथ आप इसे यूज़ करके देख सकते हो। तो जैसे ही मैं इसे कनेक्ट करूँगा तो इसने जो है इसे डिटेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे इस स्क्रीन को मैंने कनेक्ट करके रखा है टाइप सी से, इसे पावर दिया है और यहाँ पे HDMI जैसा आप देख सकते हो 2 mini HDMI ये कनेक्टर यूज़ करता है मॉनिटर। व्यू सोनिक का ये मॉनिटर है, टच स्क्रीन है और इसका जो वीडियो है आप यहाँ देख सकते हो, मैंने इसका भी वीडियो बनाया हुआ है। काफ़ी अच्छा मॉनिटर है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ इसे। एज एन एक्सटर्नल मॉनिटर अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो यहाँ मैंने कनेक्ट कर दिया अपना डिवाइस और डायरेक्टली ये प्रोजेक्ट हो गया है। सैमसंग के डिवाइसेज में सैमसंग डेस्क करके एक जो है फीचर आता है वो आप यूज़ करते हो और डायरेक्टली मिररिंग भी कर सकते हो। तो सैमसंग डेस्क भी आपको मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ। आपको यहाँ से जाना है मेन्यू पे और ये रहा सैमसंग डेस्क। तो सैमसंग डेस्क भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, इसे भी मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। सो जैसा कि आप ये देख रहे हो कर्सर मूव करता हुआ, तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो। क्योंकि हम लोगों ने इसे HDMI से कनेक्ट किया है तो यहाँ पे आपको जो है टच कैपेबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। अगर टाइप सी टू टाइप सी में कनेक्ट कर लेते डायरेक्ट तो यहाँ टच आप यूज़ कर सकते थे। अब बात करते हैं कि पेन ड्राइव किस तरीके से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं इसमें और क्या पेन ड्राइव वर्क करेगी, तो वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास ये सैंडिस्क की 32 GB की पेन ड्राइव है, इसे हम लोग लगा के देख लेते हैं कि ये डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं। और इसे मैं कर लेता हूँ ओपन। तो मैं डेस्क यहाँ पे जो है इसे बंद कर देता हूँ और इसे ले आता हूँ ऑटो रोटेट पे। तो मैं जैसे ही इसे इस तरीके से रोटेट करूँगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन भी रोटेट हो चुकी है यहाँ पे। और ये रहा मेरा फाइल मैनेजर, यहाँ मैं कनेक्ट करता हूँ अपनी पेन ड्राइव को। यहाँ मैंने कनेक्ट कर लिया अपनी USB ड्राइव और देखते हैं कि यहाँ पे ये डिटेक्ट कर पा रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए आपने USB स्टोरेज जो है इसने डिटेक्ट कर लिया है अपने आप। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और आप इसे अनमाउंट भी यहाँ से कर सकते हो। मेरी बार बार वही आदत है टच स्क्रीन यूज़ करने की, तो मैं टच स्क्रीन ही यूज़ करता हूँ। पर इसे अनमाउंट करना हो तो इसे अनमाउंट भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे जाके मैं इसे
अनमाउंट कर देता हूँ। तो ये जो आपकी USB ड्राइव है वो अनमाउंट हो गई है, इसे मैं निकाल देता हूँ। और यहाँ आप जो है टाइप सी पावर डिलीवरी भी दे सकते हैं ताकि आपका मोबाइल भी साथ ही साथ चार्ज होता रहे, पर मेरे पास अभी कोई एक्स्ट्रा अडाप्टर नहीं है सो इसलिए मैं अभी इसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ। बाकी आप इसे यूज़ करेंगे तो इसे आप जो है एज अ पावर सोर्स भी यूज़ कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन के लिए। अब बात करते हैं हम लोग दूसरी डिवाइस की, इसे मैं निकाल के रख देता हूँ साइड में। और दूसरा डिवाइस है वो भी बहुत खास है और वो भी आपको कम प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा। तो कौन सा है वो डिवाइस मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये भी है पोटोनिक्स की तरफ से, हम लोग बॉक्स में देख लेते हैं M-Port 8। तो यहाँ पे पोटोनिक्स की तरफ से M-Port 8 8-in-1 USB-C हब आपको देखने को मिलता है। ये रहा फिजिकल ओवरव्यू। और टाइप सी टू दीज काइंड ऑफ डिवाइसेस आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ, USB 3.0 का एक पोर्ट दिया है, 2.0 का एक पोर्ट दिया हुआ है। टाइप सी जो है डेटा यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये सबसे अच्छी बात है। मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा, हार्ड डिस्क है मेरे पास टाइप सी कनेक्टिविटी वाली। टाइप सी जो है पावर डिलीवरी पोर्ट दिया जा रहा है, HDMI आउटपुट 4K अप टू 30 हर्ट्स। तो ये दोनों डिवाइसेज जो है 4K अप टू 30 हर्ट्स आपको आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे SD और माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट दिया हुआ है और एक ईथरनेट पोर्ट दिया हुआ है। तो ये रहा बॉक्स, सिंपल सा बॉक्स आता है। डिवाइस की अगर मैं बात करूँ तो ये रहा डिवाइस। और कुछ इसी तरीके से कैसे देखने को मिलता है, मेटालिक बिल्ड, पोटोनिक्स की ब्रांडिंग यहाँ दी हुई है, लैंड पोर्ट की कनेक्टिविटी दी हुई है और यहाँ पे SD माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट दिया हुआ है। साथ ही साथ USB 2.0 HDMI आउटपुट, USB 3.0 USB-C की कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलती है और यहाँ मिलता है पावर डिलीवरी पोर्ट। साथ ही साथ ये वाला जो आप देख रहे हो ये कोई रीसेट बटन नहीं है, ये एक्चुअली लाइट है। जब आप इसे कनेक्ट करोगे अपने स्मार्टफोन से या किसी डिवाइस से तो ये जो है उसमें ये लाइट जलेगा। तो ये रहा सिंपल सा मेटालिक बिल्ड वाला 8-in-1 USB-C पोर्ट। साथ ही साथ यहाँ भी अगर मैं वायर की बात करूँ तो सिंपल यहाँ पे वायर दिया हुआ है जो कि ब्रेडेड हो सकता था। और पोटोनिक्स का यहाँ पे लोगो कनेक्टर में और यहाँ भी सिंपल जो है USB-C कनेक्टर आपको दिया हुआ है। तो इसे हम लोग पहले लगाते हैं अपने स्मार्टफोन में और जैसा कि मैंने कहा था कि ये ब्लिंक करेगा, तो ये देख सकते हैं आप, ये ग्लो कर रहा है ब्लू कलर में, मतलब आपका डिवाइस जो है वो कनेक्ट हो चुका है। अब हम लोग यूज़ करेंगे इसे HDMI आउटपुट के साथ। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है, HDMI आउटपुट की कनेक्टिविटी यहाँ पे दे दी है और यहाँ पे ये डिस्प्ले आ चुका है। मैं इसे अनलॉक कर देता हूँ और साथ ही साथ यहाँ इसे मैं ले आता हूँ लैंडस्केप मोड पे ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें बता सकूँ। तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं टाइप ए पोर्ट को कि किस तरीके से यूज़ कर रहा है। USB 2.0 ये दिया हुआ है और USB 3.0 यहाँ पे दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर कर देता हूँ। तो हम लोग इसे लगाएंगे USB 3.0 में, ये एक मैंने लगा लिया है और देखते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं नीचे जाके। तो बिल्कुल ये वर्क कर रहा है, आप यहाँ देख सकते हो मेरा जो USB वो कनेक्ट हो चुका है। और सबसे खास बात जो इसमें एक टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है पावर डिलीवरी के लिए और दूसरा दिया हुआ है डेटा के लिए। तो हम लोग ये देखते हैं कि डेटा वाला वर्क कर रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थर्ड जो मैं आपको USB कनेक्टर बताने वाला हूँ उसमें डेटा ट्रांसफर के लिए टाइप सी नहीं दिया हुआ है, वो सबसे बेस्ट, बट बेस्ट में भी कुछ कुछ कमियाँ रहती हैं। तो यहाँ पे ये है सैमसंग की USB ड्राइव, आप देख सकते हो, और इसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे टाइप सी से। तो यहाँ देखिए आप, ये कनेक्ट हो चुकी है, सैमसंग की USB स्टोरेज यहाँ कनेक्ट हो चुका है आप जैसा कि देख रहे हो। तो एट द सेम टाइम जो है मैं इस हार्ड डिस्क से भी इस पेन ड्राइव के साथ अपनी फाइल्स को एक्सेस कर सकता हूँ, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और आपको मैं एक बहुत ज़रूरी चीज़ बता दूँ कि अगर आपको अपना डिवाइसेस जो है निकालने हो या अनमाउंट करने हो तो डायरेक्टली मत निकालिए, आप अपना डेटा लॉस कर सकते हो, क्योंकि कुछ फाइल्स जो है एक्सेसिबल रहती हैं सिस्टम को भी। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, जाना है डिवाइस पे और यहाँ से अनमाउंट कर देना है। सो मैं शायद गलत आ गया, पहले जाते हैं हम लोग इस पे और यहाँ देखते हैं कि अनमाउंट का ऑप्शन दिया हुआ है कि नहीं, बिल्कुल दिया हुआ है। तो यहाँ मैंने इसे अनमाउंट कर दिया, तो एक डिवाइस जो है हमारा अनमाउंट हो चुका है। हम लोग जाते हैं वापस और करते हैं हम दूसरी डिवाइस को अनमाउंट। सो यहाँ पे भी मैं ऐसे कर देता हूँ अनमाउंट, बिल्कुल ये हमारा दूसरा डिवाइस भी जो है अनमाउंट हो चुका है। आप देख सकते हो दोनों डिवाइसेज अनमाउंट हो चुके हैं, अब सेफ टू रिमूव है, आप इसे इजीली निकाल सकते हो। एक जो इसमें पोर्ट दिया हुआ है वो है पावर डिलीवरी के लिए, तो ये वाला पोर्ट जो है इसे पावर डिलीवरी के लिए आप यूज़ कर सकते हो अपने स्मार्टफोन को पावर करने के लिए या जिस भी डिवाइस से आप इसे कनेक्ट कर रहे हो। साथ ही साथ यहाँ पे SD और माइक्रो SD स्लॉट भी दिया हुआ है, तो आपका जो कैमरा वाला बड़ा मेमोरी कार्ड आता है, SD कार्ड आता है, और जो नॉर्मल माइक्रो SD कार्ड आता है उसे आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हो। सो ये तो हो गई दूसरे नंबर के USB हब की बात। अब हम लोग आते हैं थर्ड USB-C हब पे, जो कि बहुत ही खास होने वाला है और मेरा पर्सनल फेवरेट है। क्यों है वो मैं आपको भी बताता हूँ।
ये है केबल क्रिएशन की तरफ से, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो केबल क्रिएशन की तरफ से एक यूएसबी सी हब 7-in-1 है। वो जो था पोर्टोनिक्स वाला वो 8-in-1 था, ये 7-in-1 यूएसबी सी हब है। और ये क्यों खास है मैं आपको बताऊंगा अभी। सबसे पहले आते हैं इसके बॉक्स पे। बॉक्स जो है मैं हर डिवाइस के संभाल के रखता हूँ, ये बल्कि मैंने एक साल पहले लिया था, एक साल से इसे यूज़ कर रहा हूँ मैं। सो यहाँ पे सिंपल केबल क्रिएशन की ब्रांडिंग, यहाँ फिजिकल ओवरव्यू और यहाँ मिनिमलिस्टिक जो है आपको डिटेल्स दी हुई है। HDMI आउटपुट, माइक्रो SD कार्ड की कनेक्टिविटी, USB 3.0 की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, टाइप सी आपको एक पोर्ट देखने को मिलता है और एक इथरनेट जो है लैंड पोर्ट आपको इसमें देखने को मिलता है, बाकी और कुछ नहीं। बॉक्स सिंपल है, बॉक्स में भी आपको एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल और एक जो है थैंक यू जो है बैनर देखने को मिलता है, तो इसे मैं रख देता हूँ साइड में। और यहाँ पे ये रहा USB सी हब केबल क्रिएशन की तरफ से। अगर मैं बात करूँ इस तरीके के जो कनेक्टिविटी डिवाइसेस बनाते हैं कंपनीज, उसमें दो नाम सबसे ऊपर आते हैं, एक तो यू ग्रीन इज़ माय फेवरेट। यू ग्रीन भी काफ़ी अच्छे डिवाइसेस बनाता है और साथ ही साथ केबल क्रिएशन। तो केबल क्रिएशन का ये डिवाइस है 7-in-1 USB-C हब, और जो मैं आपको बार बार बोल रहा था कि ये नॉर्मल USB-C है, यहाँ नहीं है वो, ये है फास्ट डेटा ट्रांसफर के लिए गोल्ड प्लेटेड। इफ़ यू कैन सी तो यहाँ पे ये देख सकते हो आपकी गोल्ड प्लेटेड जो है USB-C कनेक्टिविटी दी हुई है। केबल क्रिएशन की ब्रांडिंग यहाँ पे है, और सबसे अच्छी चीज़ कि ब्रेडेड केबल यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, तो कोई डर नहीं है वायर वगैरह मुड़ने और उस चीज़ का। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसके साथ एक ये पाउच भी दिया हुआ है हमें केबल क्रिएशन की तरफ से। यहाँ पे केबल क्रिएशन की ब्रांडिंग और सॉफ्ट टच मटेरियल वाला ये जो है कपड़ा है। यहाँ पे आपका जो है ये केबल क्रिएशन का 7-in-1 USB-C हब आ जाएगा, और वायर जो है आपको इस तरीके से प्लेस करना है। ये वायर वाला कंपार्टमेंट है और ये एक्स्ट्रा जो डिवाइसेस आपको कैरी करने हैं उसका कंपार्टमेंट है, तो इस तरीके से आप इसे कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हो। फिलहाल बात करते हैं यूजेबिलिटी की। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है एक HDMI आउटपुट अप टू 4K 60Hz। जो पहले के डिवाइसेस मैंने आपको दिखाए थे वो थे 4K 30Hz, और यहाँ ये 4K 60Hz की कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ एक SD कार्ड और माइक्रो SD कार्ड स्लॉट आपको देखने को मिलता है। दो आपको USB 3.0 नहीं, दोनों ही जो है आपको USB 3.0 यहाँ पोर्ट देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक पावर डिलीवरी पोर्ट देखने को मिलता है। पावर डिलीवरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें जो है अपना हार्ड डिस्क कनेक्ट करके देखा तो वो एक्सेस नहीं हुआ, बाकी मैं आपको अभी भी एक बार दिखा दूंगा। और साथ ही साथ यहाँ मिलता है एक लैंड पोर्ट जो कि 1 GB पेज तक की स्पीड सपोर्ट करता है, और इसी के साथ कनेक्ट करते हैं इसे अपने स्मार्टफोन से और देखते हैं कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। सो यहाँ मैंने स्मार्टफोन से इसे कनेक्ट कर दिया, इसने डिटेक्ट भी कर लिया है। अनलॉक कर देता हूँ मैं अपने मोबाइल को और ले आता हूँ लैंडस्केप मोड पे, और यहाँ मैं कनेक्ट कर देता हूँ HDMI को मेरे मॉनिटर को। सो यहाँ मैंने अपना मॉनिटर कनेक्ट कर दिया है। अब बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें वर्क करती है। तो मैं आ जाता हूँ फाइल मैनेजर पे। सो यहाँ मैं फाइल मैनेजर पे आ गया, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ही इंटरनल डिवाइस अभी कनेक्टेड है, और बारी बारी से हम लोग एक डिवाइस कनेक्ट करेंगे एक करके। सो सबसे पहले ये वाला जो USB ड्राइव है इसे मैं कनेक्ट करता हूँ। तो ये देखिए आपने इसे डिटेक्ट कर लिया, और मैं बात कर रहा था पावर डिलीवरी पोर्ट की। तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये सिर्फ पावर डिलीवरी पोर्ट है, इसमें जो है ये कनेक्ट नहीं होगा। सो हमने देखा कि उसने डिसकनेक्ट कर दिया, उसे लग रहा है कि पावर डिलीवरी पोर्ट है इसलिए। तो जैसे ही हम लोग नीचे जाएंगे तो वो पेन ड्राइव भी डिसकनेक्ट हो गई, इसलिए मैं इसे जो है अभी इजेक्ट कर देता हूँ। और वापस वो डिवाइस आ चुका है इसमें जो हमने पेन ड्राइव कनेक्ट किया है। तो इसी तरीके से दो पेन ड्राइव आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो, एक माइक्रो SD कार्ड और एक SD कार्ड जो है इसमें कनेक्ट हो सकता है। और ये जो आप देख रहे हो ये पावर डिलीवरी पोर्ट है, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे जो सी पोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है वो सिर्फ पावर डिलीवरी के लिए है, ताकि आप व्हाइल यूजिंग योर डिवाइस आप उसे चार्ज भी कर सको। तो ये है केबल क्रिएशन की तरफ से 7-in-1 USB-C हब, और ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। और अगर आप चाहो आगे और भी कुछ आपके पास ऑप्शन है तो कमेंट करके मुझे बताना, या जो भी आपके ओपिनियन है तो वो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो, तो हम लोग उसे भी आगे जो है उन डिवाइसेस को ट्राई करेंगे। मेरे ख्याल से इतना बहुत हो गया, बात करते हैं प्राइसिंग की। तो जो मैंने अभी आपको एक डिवाइस बताया था इससे पहले पोर्टोनिक्स वाला, इसकी कीमत आप सुन के हैरान हो जाओगे। ये जो है आपको मिलेगा मार्केट में 700-800 की रेंज में, और मैं क्यों बता रहा हूँ, इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर दिया हुआ है USB-C डेटा ट्रांसफर वाला, जो कि इसमें नहीं है। पर ये ब्रांड जो है बहुत बड़ी है, इसलिए थोड़ा सा महंगा है ये, और ये जो है बहुत सस्ता है, 700-800 की रेंज में आपको ये मिल जाएगा। और अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये आपको मिलेगा 3,000 से 4,000 रुपये के बीच में अमेज़ॉन पे। 3,000 से 4,000 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यही प्राइस जो है देखा गया है अमेज़ॉन पे, और मैंने इसे बाय किया था 3,200 में। जब मैंने इसे परचेज़ किया था तब मुझे 3,200 का मिला, तो इंडियन रुपीज़ 3,200 का ये 400 रुपये का जो है वो छोटा वाला डिवाइस 400 से 500 की रेंज में, ये मैंने जो है ऑफलाइन स्टोर से ख़रीदा है। और ये वाला भी जो USB-C हब है ये भी मैंने जो है ऑफलाइन स्टोर से ख़रीदा है, ऑनलाइन जो है अमेज़ॉन से मैंने ये ख़रीदा है। और अगर मुझे तीनों मिल जाते तो तीनों की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा।
तो मेरे ख्याल से इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है। और मैं बात करूं अगर मेरे वर्डिक्ट की, फाइनल कंक्लूजन पे हम आएँ, तो तीनों ही डिवाइसेस अपने आप में बहुत अच्छे हैं। अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। मैं आपको बता दूं कि मैं मेरे मॉनिटर में तीनों डिवाइसेस को यूज़ करके देख चुका हूं अपने आईफोन के साथ। जब मैं ओवरहेड शॉट्स लेता हूं, 4K 60 हर्ट्स में ये वाला वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है और जो दूसरे वीडियोज़ हैं वो भी रिकॉर्ड होते हैं, तो 4K 60 हमें जो है वहाँ पर उतनी स्मूथनेस देखने को मिलती है मॉनिटर पर। तो इस चीज़ को अगर आप लेके परेशान हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेझिझक आप इन्हें खरीद सकते हो। सो इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से बहुत है और इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं। मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, और प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, बहुत मेहनत लगती है इस टाइप के वीडियोस बनाने में। और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और सब्सक्राइब तो यार अभी कर ही लो, लगे हाथ अगर नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना लाल कलर का, उसको दबा दो बिना सोचे समझे, इतनी मेहनत से वीडियो बनाए ना। और अपने फ्रेंड्स के साथ तो शेयर कर ही देना भाई, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। कॉलेज वगैरह स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या कॉर्पोरेट में जो काम करें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये वीडियो। तो चलो यार, मिलते हैं इसी के साथ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।